नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहा सुना होगा, भगवान के सर में देर है अंधेर नहीं। और बड़ी बात तो यह है कि ये कहावत बिल्कुल ही ठीक हुआ है और बहुत ही सटीक बैठा है नेपाल पे। दोस्तों, नेपाल में जो नेता, जो प्रधानमंत्री भारत को अपना दुश्मन बना लिया, खासतौर पे नेपाली जनता के बीच में भारत के खिलाफ जहर बो दिया, इतना ही नहीं, जो प्रधानमंत्री भगवान राम के साथ दोस्तों मजाक किया, बोला कि भगवान राम अयोध्या में नहीं नेपाल में पैदा हुए थे, उन्होंने दोस्तों भारत नेपाल के बीच में एक नया नक्शा जारी करके बोला कि काला पानी लिपि सब मेरा है, बाकी सब कुछ मेरा है। दोस्तों, उन्होंने चीन के गोद में गया, इतना ही नहीं, चीन से तमाम समझौते किए जो उसे नहीं करना चाहिए था। चीन के साथ दोस्तों उन्होंने तरह तरह की बातें की, यहाँ तक कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल का भी दौरा किया। खासतौर पे भारत से उलझने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने हर प्रकार का हथकंडा अपना के खासतौर पे भारत को और नेपाल को पूरी तरह से दूर कर दिया। कह सकते हैं कि जो नेपाल और भारत का रिश्ता सदियों पुराना रहा, उसे 2020 में पूरी तरह से तोड़ दिया गया। दोस्तों, उसी का अभिदाई हो चुका है। बड़ी बात तो यह है कि उसी प्रधानमंत्री को नेपाल से धक्के मार के निकाल दिया गया है। और बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे सीधा तौर पर दोस्तों चाइना यहाँ पे देखता रह गया। कह सकते हैं कि चाइना चाह के भी कुछ नहीं कर पाया है, चाइना पूरी तरह से हरासमेंट हो चुका है। चाइना को लग रहा है कि हमारा पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुका है। चीन को लग रहा है कि हमारा कई बिलियन डॉलर जो नेपाल में हम इन्वेस्ट किए हैं, जो नेपाल को हम विकास के नाम पे दिए हैं, वो पैसा हमारा डूब ना जाए। दोस्तों, चीन कई बिलियन डॉलर खासतौर पे नेपाल में सड़क बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, इतना ही नहीं, नेपाली नेता को खरीदने के लिए खर्च किया था, नेपाली मीडिया को खरीदने के लिए खर्च किया था। सब कुछ हो सकता है, बेकार न चला जाए। इसीलिए चीन में अब हरकम मचा हुआ है। चीनी थिंक टैंक, चीनी मीडिया बोला है कि नेपाल में जो हुआ है ना, उसके पीछे पूरी तरह से भारत का हाथ है। भारत ने हम लोगों को उल्लू बनाया है, भारत ने नेपाल में बहुत बड़ा गेम खेला है, भारत ने नेपाल में राजनीतिक भूचाल लाया है, राजनीतिक संकट पैदा किया है, भारत ने ही सब कुछ किया। दोस्तों, ये बात चीनी मीडिया बोल रहा है, भारत पर इल्ज़ाम लगा रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, चीन को नेपाल से आउट कर दिया गया है और चीन गुस्से में तरह तरह की बातें लिख रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है, खासतौर पर केपी शर्मा ओली भी दोस्तों तमाम हथकंडे अपने कह सकते कि तमाम हाथ पर मारा, खासतौर पर प्रधानमंत्री बनने के लिए वो सब कुछ किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसका एक भी हथकंडा काम नहीं आया और आज वो नेपाली सत्ता से बाहर जा चुका है। आप दोस्तों आपको बोलेंगे, आखिरकार केपी शर्मा ओली अपने आप में एक तनाशा नेता, जो हाल ही में क्या किया नेपाल में, खासतौर पर संसद भवन को भंग कर दिया, खासतौर पे पार्लियामेंट दोस्तों भंग कर दिया, खासतौर पे चुनाव करने का घोषणा करवा दिया, आखिरकार उस नेता को कैसे प्रधानमंत्री पद से निकाला गया, क्या हुआ है दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, नेपाल में आज से 3-4 साल पहले यानी कि 2016 से पहले दो पार्टियाँ था, खासतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी दो था, एक था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, खासतौर पर MC यानी कि मनीष सेंटर, जिसका दोस्तों अध्यक्ष था प्रचंड, खासतौर पर पुष्प कमल दहल प्रचंड उसका अध्यक्ष था, सिंपल सी बात है, माओवादी पार्टी का नेता था, ठीक है। दूसरा था दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML यानी कि उसका अध्यक्ष था केपी शर्मा ओली, कह सकते हैं उसका नेता था केपी शर्मा ओली। दोस्तों दोनों ने डिसाइड किया 2017 में कि हम लोग मिल जाते हैं और केवल एक ही पार्टी बनाते हैं, यानी कि दो कम्युनिस्ट पार्टी को हटा के केवल एक ही बनाते हैं, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, और हम लोग हमेशा के लिए नेपाल पर राज करेंगे, हम लोग को कोई हरा नहीं सकता है, नेपाली कांग्रेस में दम नहीं, नेपाल के कोई पार्टी में दम नहीं जो हमें हरा दे, और केपी शर्मा ओली प्रचंड मिल जाएगा तो नेपाल का इतिहास बदल देगा। दोस्तों, इसी मकसद से दोनों ने पार्टी मर्ज किया था, और उसका एक दोस्तों फार्मूला था, पता फार्मूला क्या था, दोनों नेता ढाई साल प्रधानमंत्री बनेगा। पहली बार तो केपी शर्मा ओली को मौका मिल गया, लेकिन बड़ी बात तो यह है, जब प्रचंड का मौका आया, यहाँ पे केपी शर्मा ओली आंख दिखाना शुरू कर दिया और खास तौर पे जनता को भरमाना शुरू कर दिया, जनता को ये देखना शुरू कर दिया कि भाई प्रचंड तो भारत का खास तौर पे गुलाम है, प्रचंड तो भारत के सर्व काम करता है, प्रचंड को भारत ने पैसा खिलाया। दोस्तों, इस तरह के भ्रम फैला के केपी शर्मा ओली ने प्रचंड यानी कि पुष्प कमल दहल को पूरी तरह से बदनाम किया गया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, नेपाली जनता जाग चुका था, वहाँ की जनता बोल रहा था भाई आखिरकार प्रचंड से आपको कोई भी दिक्कत हो, लेकिन हमसे क्या दिक्कत है, आखिरकार आपने क्या किया, नेपाल में कोरोना वायरस इतना फैल गया, दिन रात वो फैलता रहा, आप क्या किए, आप कोई उपाय नहीं ढूंढे, एक तरफ जहाँ भारत आपको मदद दे रहा था, आप किसी के सामने में ना कोई ऑफर दिए, ना कुछ दिए, ना कोई वैक्सीन लाए, और नेपाल आज पूरी तरह से कोरोना से खासतौर पर ग्रसित हो चुका है, आपने तो हमें पूरी तरह से महामारी में झोंक दी। दोस्तों,
नेपाल की जनता ये बात बोलना शुरू कर दिया। और बड़ी बात तो यह है, दूसरी ओर प्रचंड के पास मौका था। दोस्तों प्रचंड नेपाल का एक खिलाड़ी है, कह सकते कि मांझा वो खिलाड़ी है, खासतौर पे वो उसका आज भी दोस्तों सिक्का जमता है। नेपाल की राजनीति में प्रचंड का दोस्तों सिक्का जमता है। प्रचंड साहब बोला था, भाई या तो तुम मुझे मौका दो, अपना वादा पूरा करो 2.5 साल का, या फिर हम पार्टी से अलग हो जाएंगे, पार्टी हम तोड़ेंगे और फिर से एक नया सरकार बना देंगे। दोस्तों प्रचंड के बातों को खासतौर पर केपी शर्मा ओली सीरियस ले लिया, और इसीलिए नेपाल में उसने क्या किया पता है, उन्होंने एक कारनामा कर दिया। वह दिसंबर महीना में, दिसंबर 2020 में उन्होंने संसद भवन को भंग कर दिया, बोल दिया कि अब यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगा, अब केवल चुनाव होगा, वो भी मई में होगा। दोस्तों कल चुनाव होना था, सिंपल सी बात है, 10 मई को चुनाव हो जाता, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, बोला कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, नेपाल में चुनाव नहीं चाहिए। हाँ, जिसमें दम है वो बहुमत साबित करे, सरकार बना ले। और ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ने केपी शर्मा ओली को बोला कि आपने बहुत हाथ पर मार लिया, अब आपके पास मौका है, आप बहुमत साबित कीजिए, यानी कि आप खासतौर पे प्रतिनिधि सभा में। दोस्तों जिस प्रकार भारत में लोकसभा है, उसी प्रकार नेपाल में प्रतिनिधि सभा है। तो खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यहाँ पे बहुमत साबित कीजिए, संसद बुलाइए और आप यहाँ पे प्रस्ताव रखिए, अपना सरकार बनाइए या फिर गिराइए। दोस्तों उसी में केपी शर्मा ओली हार चुका है और पार्टी से बाहर जा चुका है, प्रधानमंत्री पद को छोड़ने के लायक बन चुका है। दरअसल हुआ ये, कल ही नेपाल के जो प्रतिनिधि सभा है वहाँ पे दोस्तों प्रस्ताव ले गए, ठीक है, जिस प्रस्ताव के अनुसार कम से कम 136 सांसद खासतौर पर केपी शर्मा ओली को समर्थन करना चाहिए था। 136 अगर सांसद समर्थन कर देते ना तो केपी शर्मा ओली खासतौर पर प्रधानमंत्री पद पे बना रहता। दोस्तों नेपाल में अभी खासतौर पर प्रतिनिधि सभा में 275 खासतौर पर सांसद है, ठीक है, 275 सांसद है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, आप कह सकते हैं हैरानी की बात तो यह है कि केवल 93 सांसद यानी कि 93 सांसद ही खासतौर पर केपी शर्मा ओली को समर्थन दिया, बाकी 124 सांसद दोस्तों प्रचंड को समर्थन देते। बड़ी बात यह है कि प्रचंड से हाथ मिला लिया और केपी शर्मा ओली के खिलाफ चला गया। और यहाँ पे हत्या प्रक्रिया की, केपी शर्मा ओली के बहुत सारे मित्र सांसद, जो बहुत सारे खासम खास आदमी जो सांसद हैं, कम से कम 28 से 30 सांसद दोस्तों खासतौर पर पहुँचा ही नहीं, खासतौर पे संसद भवन पहुंचा ही नहीं, और खासतौर पे उन्होंने ना तो कोई वोटिंग किया और नहीं वहाँ पर पहुँचा, और खासतौर पे केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। बड़ी बात यह है कि उसका अपना भी आदमी दोस्तों केपी शर्मा ओली को धोखा दे दिया, और इसी तरह से केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद से बाहर हो चुका है। अब दोस्तों आप बोलेंगे चलो यहाँ तक ठीक था, अब आगे क्या होगा? सिंपल सी बात है, केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को इस्तीफा सौंपेगा, और खासतौर पर विद्यादेवी भंडारी जो राष्ट्रपति है, खासतौर पर नेपाल के जो सबसे बड़ा पार्टी है, खासतौर पर प्रचंडों को बुलाएगा, बोलेगा कि भाई केपी शर्मा ओली को तो बहुमत नहीं मिला, आपके पास मौका है, आप सरकार बना लीजिए। और दोस्तों प्रचंड जहाँ से हो सके खासतौर पर 136 से अधिक बहुमत लाने का प्रयास करेगा। ऑलरेडी 123-124 दोस्तों प्रचंड के पास आ ही चुका है, बाकी दोस्तों 10 से लेकर 12-13 खासतौर पर संसद को किसी से आदान प्रदान करना होगा, किसी पार्टी के साथ मिलाना होगा। और खासतौर पर दोस्तों रात रात वहाँ पर देखेंगे प्रचंड का पार्टी वहाँ पर सरकार बना लेगा, या फिर देखेंगे आने वाले समय में कोई दूसरा पार्टी सरकार बना सकता है, यानी कि हो सकता है यहाँ पे कुछ खेला बेला हो जाए। लेकिन उम्मीद तो यह है कि केपी शर्मा ओली की सरकार वहाँ पे बिल्कुल अब नहीं बनने वाला है।